अंगूरी रबड़ी को मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है और ऊपर से केसर और पिस्ता से गार्निश कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है ये अंगूरी रबड़ी। अंगूर रबड़ी के लिए पहले हम अंगूर बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर गाय का दूध लिया है। गाय का दूध ही यूज करें, उससे अंगूर अच्छे बनते हैं। 3/4 कप शक्कर ली है और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून पानी को मिक्स करके ले लिया है। अब एक कढ़ाई में हम ये दूध उबलने के लिए रख देंगे। दूध को एक उबाल आने तक अच्छे से उबालना है। आप देख सकते हैं दूध उबल चुका है। दूध को एक उबाल आने तक उबालना बहुत जरूरी है, नहीं तो जब हम अंगूर को चाशनी में बॉईल करेंगे तब भी अंगूर टूट सकते हैं। अब हम हीट लो कर देंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा ये विनेगर और पानी का मिश्रण डाल देंगे। मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा ये विनेगर और पानी का मिश्रण डालेंगे। हीट हमें अब लो रखनी है। ऐसा करने से ये दूध में से छेदा अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये छेदा अलग हो चुका है। अब हम नहीं डालेंगे। अब इसे हम स्टोव पर से ले लेंगे। अब ये बोल पे मैंने एक छन्नी रख ली है और इस पे इस तरह का एक हम कपड़ा रख देंगे और इस पनीर को हमें इसमें छानना है। इस तरह से हम इसमें डाल देंगे और अब इस छेना को हमें इस ठंडे पानी से वॉश करना है। अच्छा ठंडा पानी लीजिए। इस तरह से वॉश करने से इस पनीर में से विनेगर निकल जाएगा। इसमें से सारा पानी निकाल देंगे। इस तरह से निचोड़ते निचोड़ते हमें इसमें से सारा पानी निकाल देना है। ये छेना में से इस तरह से अच्छे से पानी निकालना बहुत जरूरी है। अब हम इस छेना को इस तरह से नैपकिन के बीच में इस तरह से अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि अगर इसमें कोई पानी रह गया होगा तो भी ये नैपकिन पोंछ लेगा। इसे अब प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक बर्तन में मैंने 4 कप पानी लिया है। इसमें हम ये 3/4 कप शक्कर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे और इसे अच्छे से उबलने देना है। अच्छे से उबाल आए तब तक हम इसे उबालेंगे। तब तक हम छेना में से हमारे अंगूर रेडी कर लेते हैं। चाशनी को हमें ढककर अच्छे से उबलने देना है। तब तक हम छेना में से अंगूर रेडी कर लेते हैं। हमें इस छेना को इसी तरह से हथेली से 4 से 5 मिनट तक मसलना है। इस तरह से मसलने से छेना अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और एक डो के रूप में फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से मसलते रहे। आप देख सकते हैं ये छेना अच्छा स्मूथ हो चुका है। अब
इसमें से हम अंगूर बना लेंगे। अब इसमें से हम बिल्कुल ही छोटे छोटे गोले बनाएंगे, इस तरह से हमें बिल्कुल ही छोटा छोटा गोला बनाना है। अंगूर को जब हम चाशनी में बॉईल करेंगे तो इसकी साइज डबल हो जाएगी, इसलिए हमें इसका बिल्कुल ही छोटे छोटे गोले बनाएंगे। इस तरह से सारे पनीर में से मैं इस तरह के गोले बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये पानी अच्छे से उबलने लगा है। अब हम इसमें ये अंगूर डाल देंगे। अब इस अंगूर को हमें ढककर इसी तरह से 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई हीट पे इसे हम बॉईल कर देंगे। आठ मिनट हो चुके हैं इस अंगूर को उबलते हुए। वाओ, आप देख सकते हैं ये अंगूर की साइज डबल हो चुकी है। अच्छे से उबलकर ये अंगूर रेडी है। अब हम इसे इस स्टोव पर से ले लेंगे। अंगूर को हम हल्के गर्म पानी में निकाल लेंगे। इस तरह से सारे अंगूर को हम एक एक करके इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। रबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर फुल फैट दूध लेंगे हम, शक्कर और थोड़ा सा केसर यूज कर लेंगे हम। दूध को उबालने के लिए रख देंगे। इस दूध को उबालते हुए हमें इसे गाढ़ा करना है। स्टार्टिंग में दूध तले पे जल्दी चिपक जाता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे, बाद में हम इसे छोड़ सकते हैं। दूध में हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे। आप चाहे तो ज्यादा केसर डाल सकते हैं। शुरू में इस तरह से स्पैचुला तले पे घुमाते हुए हम इस रबड़ी को उबालेंगे, बाद में हम इसे छोड़ सकते हैं। साइड में लगी मलाई को इस तरह से दूध में मिक्स करते जाइए, इससे अच्छी गाढ़ी रबड़ी बनेगी हमारी। ये दूध उबलते हुए आधा रह चुका है। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हमें इसे और उबालना है। शक्कर डालने से शक्कर का पानी छूटेगा, हम इसे थोड़ा और उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये दूध उबलते उबलते आधे से भी कम रह चुका है। ये अच्छी काढ़ी रबड़ी बन चुकी है। अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इसमें इस स्टेज पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हैं। ये रबड़ी रेडी है। अब हम इसे स्टोव पर से ले लेंगे। मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इस अंगूर को हम थोड़ा सा इस तरह से इसमें से पानी निकालकर ये रबड़ी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं ये अंगूर। इस रबड़ी में हम थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं। ये अंगूर रबड़ी को हम फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे। 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद ये अंगूरी रबड़ी रेडी है। बहुत ही मलाईदार और स्वादिष्ट बनी है ये रबड़ी। मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। अंगूरी रबड़ी को मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है और ऊपर से केसर और पिस्ता से गार्निश कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है ये अंगूरी रबड़ी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना।